Like to invite Mr. Aftab Akbar Durrani Sahab, Secretary Minister of Religious Affairs and Interfaith Harmony. Please welcome him. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and happy Diwali. Janab Chila Ram Sahab, Chairman, National Commission for Minorities. MNA Mali Sahab, His Excellency, Council General of Oman, मेरे बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, आप सबको दिवाली मुबारक हो. मुझे आज यहाँ के वाकई में बड़ी खुशी हो रही है. मुझे ज्यादा लंबी तकरीर करने का शौक नहीं है, लेकिन इस फंक्शन को देख के मैं वाकई में बड़ा खुश हुआ हूँ कि इतना प्यारा फंक्शन मैंने बहुत कम देखे हैं. ये दिवाली का मेरा दूसरा फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रहा हूं. इससे पहले जो मैंने दिवाली अटेंड की थी वो आज से 30 साल पहले मैंने लंदन में अटेंड की थी, जहां मैं पढ़ता था. तो वहां मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, सिख भी थे, हिंदूज भी थे, मेरे साथ क्लास में पढ़ते थे. तो मैंने उसके बाद उनका हर फंक्शन अटेंड करना शुरू किया. लेकिन बदकिस्मती से जब पाकिस्तान में आया तो जिस सूबे से मैं आया हूं, पिशावर में, वहां पे कोई इस तरह का मौका मुझे मिला नहीं. लेकिन अब जो इस मिनिस्ट्री को मैं हेड कर रहा हूं, उसमें हमें मौका मिल रहा है कि माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज की हम खिदमत कर सकें. माइनॉरिटीज वैसे कोई मुनासिब लफ्ज नहीं है. आपको मैं बताऊं कि ये मुल्क बना ही माइनॉरिटीज के लिए था. मुसलमान माइनॉरिटीज में थे और कायदे आजम को तो कहा जाता था वो माइनॉरिटीज के चैंपियन है. तो ये तो मुल्क ही बना माइनॉरिटीज के लिए था. लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जो थोड़ी सी आजकल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म शुरू है, तो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज से जो भाई बहन है इनके साथ कभी कभी कोई जाति हो जाती है, उसे दिल हमारा बहुत खफा होता है. हमारी मिनिस्ट्री, नाम इसका तो रिलीजियस मिनिस्ट्री है, लेकिन हम मुसलमानों के लिए सिर्फ हाजी कराते हैं. बाकी हमारा जो बड़ा काम है वो माइनॉरिटीज के साथ हम डील करते हैं. हम इनके लिए छोटी छोटी स्कीमें भी करते हैं, स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, और ये इनके जो ये डेज होते हैं ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं. उसमें दिवाली शामिल है, होली शामिल है, बैसाखी शामिल है, और सिख बरादरी की और बाकी क्रिश्चियंस बरादरी की हम सारे ये डेज सेलिब्रेट करते हैं. और इससे भी ज्यादा जरूरी जो है वो है इंटरफेथ हार्मनी. जो हमारा ये आप देख रहे हैं, हमारा जो मेन नाम है वो है इंटरफेथ हार्मनी, बैनुल मजाहिब हम आहंगी. तो उसकी हम बड़ी कोशिश करते हैं और दुनिया हमें देखती भी इस नजर से है कि यहां पे रिलीजियस टॉलरिज्म कम हो रही है, एक्सट्रीमिज्म कम हो रही है. ये FATF से जो हम कल निकले हैं उसमें भी बहुत सारी शरायत इन चीजों से साथ लगी हुई थी कि रिलीजियस टॉलरिज्म खत्म हो रही है. हम कवानीन ऐसे बना रहे हैं जो MNA साहब ने जिसका जिक्र किया, चेयरमैन साहब ने जिसका जिक्र किया, जिसको दुनिया देखती है कि हम लुक आफ्टर कर रहे हैं माइनॉरिटीज के. तो जैसे चीलाराम साहब ने बताया कि हमने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी तो बनाया हुआ है, लेकिन इसके पीछे हम एक कानून भी बनाने जा रहे हैं जो आखिरी स्टेजेस में है. इसके अलावा हम एक बैनल मजाइब एक पॉलिसी भी हमने ड्राफ्ट की हुई है जो अगली कैबिनेट में हम प्रेजेंट कर रहे हैं अगले मंगल को, और इंशाल्लाह वो भी एक तरह से हमारे मुल्क का नाम भी उसे बेहतर होगा. और हम कोशिश हमारी होगी कि मुख्तलिफ मजाहिब हैं उनमें हमांगी पैदा की जाए, रिलीजियस टॉलरिज्म को कम किया जाए, एक्सट्रीमिज्म को कम किया जाए. तो आज का दिन आप सब लोगों के लिए खुशी का दिन है. मैं तो ये फंक्शन देख के बड़ा खुश हुआ हूं, लेकिन इस दिन के पीछे एक मैसेज भी है. उस मैसेज का मुझे बहुत ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन चिल्ला राम साहब ने सबने कहा है कि ये अमन का पैगाम देता है. तमाम मजाहिब असल में अमन का पैगाम देते हैं, लेकिन ये
سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر ہیپی دیوالی کہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوشیوں سے رہیں, آپ کی فیملیز خوشی سے رہے, آباد اور شاداب رہیں آپ لوگ. پاکستان زندہ باد.